झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन के महासचिव महेश मुंडा के नेतृत्व में भारत के निर्माण मजदूर फेडरेशन के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल का समर्थन को लेकर रांची में एक रैली का आयोजन किया गया। देशव्यापी हड़ताल में सैकड़ों युवाओं ने भाग लेकर इसे सफल बनाया। सैकड़ों युवा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्टे का चौक तक प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम को अगुवाई कर रहे झारखंड राज्य कामगार यूनियन के महासचिव महेश मुंडा ने बताया कि मोदी सरकार ने मजदूरों के लिए जो काला कानून लाया है उसे तुरंत समाप्त करे। वहीं साथ ही बताया कि मजदूरों के लिए जो पहले 8 घंटे काम हुआ करते थे बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया गया है। इसके लिए आज झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन सड़क पर उतरी है। अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो यह विरोध आंदोलन का रूप लेगा। पहले पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश मुंडा, झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन का महासचिव। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि आए दिन जो है कि मजदूर के साथ में शोषण और अत्याचार जो हो रहे हैं, खास करके मजदूर के द्वारा जो कानून बना हुआ है 8 घंटा, आप लोगों को पता है, और 8 घंटा के जगह में उसको 12 घंटा लागू किया जा रहा है। संवैधानिक हमारा जो पहले जो देश का आज़ादी में जो लड़ाई लड़ा, क्या सपना था कि जो 24 घंटा जो मजदूर लोग खट रहा था वो घंटा को जो लड़ के मजदूरों ने जो हासिल किया उसके बदले में 8 घंटा उन लोगों को काम करने के लिए जो समय मिला। 12 घंटा कौन बढ़ा दिया? हमारे जो मोदी सरकार जो है अभी केंद्र में वो बढ़ाए, और हम कहेंगे जो मजदूर के द्वारा जो काला कानून जो बनाया है वो हम कहेंगे केंद्र से मांग करते हैं कि अभी विलंब उसको रद्द किया जाए। जितना भी काला जो उसका कानून जो संविधान में है पहले की तरह रहे, और अभी जो नई कानून बनाया है अभिलंब उसको रद्द किया जाए। भारत में देशव्यापी हड़ताल है, एक दो जो नवंबर है ना, यहाँ जो दिखा हुआ बैनर में वो पूरे भारत में जो है हड़ताल है मजदूरों की हड़ताल। तो वही अभी जो बता रहे थे कि मजदूर जो काला कानून जो बनाया है मोदी सरकार के द्वारा अभिलंब रद्द, और पहले के जैसा जो कानून